पिज्जा सॉस बनाने के लिए हमने मीडियम साइज के 5 टमाटर लिए हैं। अब इन्हें हम बीच से कट कर लेंगे। देखिए, आप इन्हें बीच से बस आधा कर लीजिए। ऐसे हम सारे टमाटर को कट कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे जो टमाटर की आंख है इसे हम निकाल देंगे, और बाकी सारे टमाटर के साथ भी हमने ऐसे ही किया है। पिज्जा सॉस बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है और उसमें हमने लगभग 100 ml ऑयल डाला है। आपका ऑयल थोड़ा कम ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ऑयल इसे प्रिजर्व बनाए रखेगा, तो आप इसे लंबे टाइम तक रख सकते हैं, लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा लहसुन। हमने 10 से 12 लहसुन की कलियों को बारीक काट लिया है। हमारे प्याज और लहसुन अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा चिली फ्लेक्स, ये हमने लगभग 1-1 टीस्पून डाले हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। टेस्ट के लिए हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। देखिए, ये सब चीजें अच्छे से पक गई हैं। अब हमने जो टमाटर कट किए थे उन्हें हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। ये आप थोड़ा सा ध्यान से करें क्योंकि तेल गर्म है। हमने सारे टमाटर को अच्छे से रख दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए सिम आंच पर ढककर पकाएंगे। इससे हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएंगे और इनका छिलका आसानी से निकल जाएगा। लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारे टमाटर अच्छे से पके हैं या नहीं। देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं और इनकी स्किन भी आसानी से निकल गई है। अब हम सारे टमाटर की स्किन निकाल के अलग से रख लेंगे, क्योंकि ये जो पिज्जा सॉस में आएगी ना, फिर ये अच्छी नहीं लगेगी। देखिए, हमने सारे टमाटर का स्किन अच्छे से निकाल लिया है। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए और पकने देंगे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो गए होंगे। देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप। अब हमने इसमें थोड़ा टमाटो केचप डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमने एक जार में निकाल लिया है। अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमारा पिज्जा सॉस बनके बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में निकाल लीजिए और आप इसे फ्रिज में 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं।